topic is ratio and proportion. What is the definition of ratio? A ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of same kind and same unit by division. The important term is same kind and same unit by division. Important term is same kind and same unit. What is the meaning of same kind and same unit? If we are comparing the weight of two person, person A and person B, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? इसका वेट कंपेयर कर रहे हैं. वेट ऑफ पर्सन ए एंड बी. वेट ऑफ पर्सन ए इज 30 केजी एंड वेट ऑफ पर्सन बी इज 40 केजी. नाउ काइंड इज सेम. काइंड मींस हियर वी आर कंपेयरिंग द वेट ऑफ टू पर्सन. द वेट इज काइंड. दोनों का काइंड सेम है. काइंड के साथ साथ उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए. दोनों का यूनिट है केजी. नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 30:40, दैट इज 3:4, राइट. सिमिलरली अगर हम कंपेयर करते हैं 5 मिनट्स एंड 2:40 सेकेंड. नाउ लिसन, व्हाट इज द डेफिनेशन? अ रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. क्या यहां पर काइंड सेम है? एक है 5 मिनट और एक है 2:40 सेकेंड. यस, बोथ रिप्रेजेंट टाइम. दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. काइंड इज सेम बट यूनिट इज नॉट सेम. फॉर फाइंडिंग द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, काइंड के साथ साथ यूनिट भी सेम होना चाहिए. तो हम इस मिनट को सेकेंड में चेंज करें. आइदर चेंज मिनट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू मिनट. तो इजी क्या रहेगा? मिनट को हमने सेकेंड में चेंज किया. सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया 300 सेकेंड और 2:40 सेकेंड. नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो 300:240. 300:240, राइट. क्लियर? इट इज क्लियर और नॉट? Then ratio is 5:4. कैसे निकला 5:4? 0 से 0 कैंसिल हुआ. 6 से डिवाइड कर दिया हमने. 6 5 जा 30, 6 4 जा 20. 4 तो रेशियो क्या हो गया? 5:4. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ two or more quantities of same kind and same unit by division. Now, ratio को हम लिखते हैं in the form of A:B. किस तरीके से लिखते हैं? A:B means A upon B. A is called antecedent or first term. Antecedent or first term. And B is called consequent or second term. A is called antecedent or first term. B is called consequent or second term. Clear? A is called antecedent or first term. B is called consequent or second term. We can write ratio in A:B. The next is
ratio can express in a simplest form or lowest term. Means jaise ratio hai 8:20. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2:5. क्या हुआ रेशियो? 2:5, राइट? रेशियो कैन एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म. जैसे यहां लिखा हुआ है 1/3:1, 1/8:1/3:1/6. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 8, 3, 6. हाउ टू फाइंड द एलसीएम? हाउ टू फाइंड द एलसीएम? टू से डिवाइड करेंगे, 4, 3, 3. फिर 2 से डिवाइड किया, 2, 3, 3. फिर 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 3. फिर 3 से डिवाइड किया, 1, 1, 1. मीन्स 2 × 2 × 2 × 3, दैट इज 24. एलसीएम इज 24, राइट? मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, 24/8:24/3:24/6. तो ये रेशियो हो गया 3:8:4. क्या रेशियो हो गया? 3:8:4, राइट? 3, 8 और 6 के एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में. अगेन द व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट? दोनों का काइंड सेम होना चाहिए. वी आर कंपेयरिंग द हाइट ऑफ टू पर्सन, तो दोनों का काइंड सेम है. दोनों का किस में कंपेयर कर रहे हैं? हाइट में कंपेयर कर रहे हैं. मान लीजिए एक का हाइट फुट में दे रखा है और एक का दे रखा है इंच में, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, आइदर चेंज इनटू इंच और चेंज इनटू फिट. देन वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज. रेशियो को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ a:b. कैसे लिखते हैं? a:b, वेयर a इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म एंड b इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड टर्म. रेशियो कैन एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म. जैसे 8:20 है, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 4, तो रेशियो जाएगा 2:5. 1/8:1/3:1/6 है, तो मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 8, मल्टीप्लाइड बाई द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 8. 3, 6 और 8 के एलसीएम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. देन ये रेशियो हो गया 3:8:4, राइट? एनी डाउट? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8? 3 एंड 6 इज 24, राइट? नाउ ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट. जैसे रेशियो दे रखा है, रेशियो बिटवीन वेट ऑफ 2 पर्सन इज 4:5. वी कैन नॉट राइट 5:4. ऑलवेज क्या रहेगा? 4:5. रेशियो ऑफ वेट ए एंड बी इज 4:5, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 4:5 ही रहेगा. वी कैन नॉट राइट 5:4, राइट? वी कैन नॉट राइट 5:4. ओके, देन द इंपॉर्टेंट अगेन, रेशियो एग्जिस्ट ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. इफ काइंड इज सेम, यूनिट इज नॉट सेम, देन फर्स्ट इक्वल द यूनिट, देन फाइंड द रेशियो. जैसा कि हमने आपको टाइम में बताया था, देखिए आप, लिसन, रेशियो बिटवीन 5 मिनट एंड 2:40 सेकेंड. तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में.
दोनों का काइंड तो सेम है, बोथ रिप्रेजेंट टाइम, बट दोनों का यूनिट सेम नहीं है. तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दोनों का यूनिट क्या करेंगे, सेम करेंगे, फिर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ एक टर्म आता है ग्रेटर इनइक्वालिटी. और लेस इनइक्वालिटी. इन द रेशियो ए इज टू बी, इन द रेशियो ए इज टू बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी क्या कहलाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी. इफ ए इज लेस देन बी क्या कहलाएगा, लेस इनइक्वालिटी. राइट, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी, इफ ए इज लेस देन बी इट इज कॉल्ड लेस इनइक्वालिटी. क्लियर. जैसे 5:3, 7:2, 9:7, ये सभी क्या है, ग्रेटर इनइक्वालिटी है. 2:3, 3:7, 9:11, ये सभी क्या है, लेस इनइक्वालिटी. क्या है ये, लेस इनइक्वालिटी. राइट, इन द रेशियो ए इज टू बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी, इफ ए इज लेस देन बी इट इज कॉल्ड लेस इनइक्वालिटी. ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी, इफ ए इज लेस देन बी इट इज कॉल्ड लेस इनइक्वालिटी. नाउ वेट ऑफ मिस्टर राम इज 70 kg. If he reduces his weight in the ratio of 7:5, then find his new weight. देखिए, Mr. Ram का weight है 70 kg. वो अपने weight को 7:5 ratio में reduce करना चाहता है. Then find his new weight. तो उसका नया weight क्या होगा? लेट किया हमने, न्यू वेट ऑफ मिस्टर राम इज एक्स के जी. न्यू वेट ऑफ मिस्टर राम इज एक्स के जी. पहले वेट क्या था, 70. तो 70/x, और इसका रिडक्शन रेशियो क्या है, 7:5. रिडक्शन रेशियो क्या है, 7:5. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50 kg. क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 50 kg. तो ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या हुआ, एंड रेशियो ए इज टू बी इज सेट टू बी ग्रेटर इनइक्वालिटी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज टू बी इज लेस इनइक्वालिटी इफ ए इज लेस देन बी. राइट, नेक्स्ट आता है कॉमेंसुरेबल क्वांटिटी. कॉमेंसुरेबल क्वांटिटी, अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, देन क्वांटिटीज आर सेट टू बी कॉमेंसुरेबल क्वांटिटी. एग्जाम्पल 4:5, 7:9, ये सभी क्या है, कॉमेंसरेबल क्वांटिटी है. और रेशियो ऑफ टू इंटीजर, द इंपॉर्टेंट इज रेशियो ऑफ टू इंटीजर, द क्वांटिटीज आर सेट टू बी कॉमेंसरेबल. ओके, √3:√2 इज कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, देयर फॉर √3:√2 इज ए कॉमेंसरेबल क्वांटिटी. ये क्या होगा, √3:√2 क्या हो जाएगा, कॉमेंसरेबल क्वांटिटी. क्या हो जाएगा, इन कॉमेंसरेबल क्वांटिटी. राइट बेटा, कोई कंफ्यूजन? मींस जो इंटीजर का रेशियो नहीं है वो इन कॉमेंसरेबल क्वांटिटी होगा, और जो इंटीजर का रेशियो है दैट इज अ कॉमेंसरेबल क्वांटिटी. वापस देखिए, हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो. रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट बाय डिवीजन. राइट, रेशियो कैन एक्सप्रेस सिंपलेस्ट वे और लोएस्ट टर्म. ए इज टू बी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज ए, ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म, एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड टर्म. रेशियो कैन एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म. व्हाट इज अ ग्रेटर इनइक्वालिटी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, A is called, A is greater than B, it is called greater inequality. If A is less than B, it is called less inequality. Right? Now, greater ratio. Two ratios आपको given है. कौन सा ratio greater है?
2:3 और 5:7. तो हम क्या करते हैं, 2/3 और 5:7 लिखा हमने, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 14 और 15, तो ग्रेटर क्या हुआ, 15. इट मींस 5/7 इज ग्रेटर देन 2:3. 5:7 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 2:3, राइट. देन व्हाट इज द सेकंड मेथड, टेक LCM of 3 and 7, which is equal to 21, and multiply by 21, 2/3 × 21, 5/7 × 21. तो ये क्या हुआ, 14 और 7 × 3 = 21, ये हो गया 15. मीन्स 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3. क्लियर और नॉट, समझ में आ गया बेटा. ये तो फर्स्ट मेथड हुआ एंड इट इज सेकंड मेथड, राइट. कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्लियर. नाउ फिर एक टर्म आता है कंटिन्यूड रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ थ्री और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. अभी तक हमने रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज निकाला, अगर थ्री क्वांटिटीज के बीच में रेशियो कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो. जैसे सैलरी ऑफ पर्सन ए बी एंड सी आर 7, 4, 5,000, 4,000 and 7,000. ये है सैलरी ऑफ ए बी एंड सी ऑफ फर्स्ट मंथ की सैलरी, ये है इनकी, या पर मंथ सैलरी ये है. तो उसका रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5,000 × 4,000 × 7,000, दैट इज 5:4:7. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो. वन रेशियो इज इनवर्स ऑफ अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन. मीन्स 2:3 का इनवर्स रेशियो होगा 3:2, और वी कैन से A:B का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, B:A. तो A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A²:B². मीन्स 2:3 है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4:9, राइट. डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9. इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 रेशियो. A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A³:B³. जैसे 2:3 है, इसका मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, ये हो जाएगा 2³:3³. मीन्स 8:27, दैट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो, A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, √A:√B. A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट पहले हम ट्रिप्लीकेट रेशियो लेते हैं, A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो A³:B³. और A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, √A:√B. जैसे 64:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 8:7, राइट. देन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ A:³³:B.
सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी होगा क्यूबिक रूट ऑफ ए इज टू क्यूबिक रूट ऑफ बी. कैसे? जैसे आपको कहा गया 216 और 343 का क्यूब रूट कैलकुलेट करिए, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 216 टू दी पावर 1/3 इस टू 343 टू दी पावर 1/3. हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट? जरा ध्यान दीजिएगा. 216 2 108 2 54 2 27 2 9 3 1. तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6. देन 343 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक रूट, 7 से डिवाइड करेंगे 49, 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1. तो 7 × 7 × 7 दैट इज 7. तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आया 6:7. क्या आया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? 6:7. कोई कंफ्यूजन? देन फिर आता है कंपाउंड रेशियो, जिसे आपको कह दिया 2:3, 4:5, 6:7 का ट्रिपली कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करिए. क्या कैलकुलेट करना? कंपाउंड रेशियो मीन्स वेरी सिंपल, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/3 × 4/5 × 6/7. तो ये क्या हो गया? कैलकुलेट करें इसको. 24 × 2 × 24/3 × 35. 48/105. Yes, clear? Now, question number 1. A... is a comparison of the sizes of two or more quantities of same kind and same unit by division is called ratio. Is called ratio. वापस देखिए, A is to B का inverse ratio क्या हो जाएगा? B is to A. A is to B का duplicate ratio क्या हो जाएगा? A square is to B square. A is to B का triplicate ratio क्या होगा? A cube is to B cube. A is to B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? रूट ए इज टू रूट बी. ए इज टू बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? क्यूबिक रूट ऑफ ए इज टू क्यूबिक रूट ऑफ बी. और कंपाउंड रेशियो क्या होगा कि सभी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द रेशियो ए इज टू बी द क्वांटिटी ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो. क्या कहलाते हैं? Terms of the ratio. A is called in the ratio of A is to B. A is called in the ratio of A is to B. क्या होगा? A is called antecedent or first term. क्या कहलाएगा? Antecedent or first term. Right? What is the simplest form of 8:20? ये मैंने बताया है आपको. मैं वापस कर देता हूं क्वेश्चन. 8:20, 2 से कैंसिल होगा, 4:10, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2:5 इज द राइट आंसर.